हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। चलिए आज हम आपको प्री बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 इंग्लिश का पेपर दिखा देते हैं और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 70 है। और ये क्वेश्चन पेपर हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने दिया है जिनका नाम है प्रदीप गुप्ता। और देखिए यहाँ पर देखिए टाइमिंग दी गई है 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। और ये सब्जेक्ट इंग्लिश का है और यहाँ पर देखो नोट दिया गया है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। और ये सेक्शन ए रीडिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो चलिए देख लीजिए पूरे पेपर को अच्छी तरीके से कि प्री बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसी प्रकार के प्रश्नों को तैयार कर लीजिए यदि आपके स्कूल में भी प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है तो, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, यानी सभी प्रश्नों को पूरे पैसेज को पढ़ना है और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न एट फ्लोरेंस इन इटली ऑन 1518-20। हर सोल एम्बिशन इन लाइफ वाज टू बी ए नर्स। और आगे देखो दिया गया है सी स्पेंट ईयर्स विजिटिंग हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल डे एंड नाइट। सी विजिटेड यूरी बेड इन द हॉस्पिटल टू सी दैट नो पेशेंट वॉज निगलेक्टेड, ठीक है। यूरी नाइट सी वुड टेक हर लैम्प एंड मूव फ्रॉम बेड टू बेड। और आगे देखिए दोस्तों पूरा पैसेज देखिए, ध्यान से पढ़ लीजिए और इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। द सोल्जर्स कॉल्ड हर द लेडी विथ द लैम्प, द वर्ल्ड रिमेंबर्स हर बाय दिस नेम एवरी सिंस, ठीक है। अब इसके नीचे देखो क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। व्हाट वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स सोल एम्बिशन, 3 अंक का था। और देखिए व्हाई डिड सी विजिट एवरी बेड इन द हॉस्पिटल, 3 अंक का था। और फिल इन द ब्लैंक्स, यानी यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों को भरना है। अब देखो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बोर्न ऑन कब, ठीक है, ये 2 अंक का था। द सिटी ऑफ फ्लोरेंस इज इन, अब देखो इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और अच्छी तरीके से करिए। देखिए सी वुड टेक हर और यहाँ पर दिया गया ब्लैंक एंड मूव फ्रॉम टू बेड, ठीक है। शब्दों को पूरा पैसेज यदि आप अच्छे से पढ़ लेंगे तब आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर पैसेज में ही मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो रिक्त स्थान दिए गए कॉल्ड हर द, यहाँ पर भी रिक्त स्थान विथ द लैम्प, ठीक है, सभी 2-2 अंक के थे। और यहाँ पर देखो चौथा राइट द अपोजिट्स ऑफ, यानी कि इनके आपको अपोजिट लिखना है, ठीक है। अपोजिट देखिए सोल एम्बिशन पेशेंस रिमेंबर्स, ठीक है, ये भी 2 अंक का था। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आपका स्टार्ट होता है सेक्शन बी राइटिंग, ठीक है। अब राइटिंग में देखिए क्या दिया गया है, राइट ए लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कंप्लेनिंग अबाउट द इंसिडेंट्स ऑफ थेफ्ट एंड चैन स्नैचिंग इन योर एरिया, ये 4 अंक का था, ठीक है। और अथवा का विकल्प है आपके सामने राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 डेज एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कॉसिन सिस्टर, ठीक है। और देखिए ये अथवा के क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न, राइट ए डिस्क्राइब्ड पैराग्राफ वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए ग्रेट लीडर माय टाउन और सिटी, अथवा का विकल्प इसमें है और ये 6 अंक का क्वेश्चन है। यू आर विराट या वंदना राइट एन आर्टिकल ऑन क्रिकेट इज ए रिलीजियन, ठीक है, पीटीओ प्लीज टर्न ओवर। अब देखो नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं, यहाँ पर देखो इन आवर कंट्री फॉर योर स्कूल मैगजीन, ये इधर का ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो सेक्शन सी ग्रामर यहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रामर के क्वेश्चन अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए ग्रामर में क्या दिया गया है, फ्रॉम द गिवेन फॉर अल्टरनेटिव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज दैट विल कंप्लीट्स द सेंटेंस, और ये भी 6 अंक का था। यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, डू यू लाइक योर न्यू टीचर विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव, लाइक न्यू टीचर नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर देखो दूसरा, आफ्टर लंच लेट्स गो आउट फॉर ए कॉफी, प्रोनाउन प्रीपोजिशन वर्ब नॉन ऑफ दीज। अब देखो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, आई वॉन्ट टू गो टू ए यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट, एडजेक्टिव प्रीपोजिशन नाउन नॉन ऑफ दीज। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया है, वर्ब्स आर वन टाइप ऑफ वर्ड एंड आर अनादर टाइप ऑफ वर्ड, नाउन्स लेटर्स सेंटेंसेस नॉन ऑफ दीज, यहाँ पर क्या भरा जाएगा वो आपको पता करना है। और यहाँ पर देखो पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, आई डोंट लाइक डॉग्स बट आई लाइक माई ब्रदर्स डॉग, ठीक है, ए नो आर्टिकल द एन। अब देखो दोस्तों यहाँ पर छठवा प्रश्न, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, इम्फेसिस या इमोल्वेंट स्ट्रेगी स्ट्रेटगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस
एंड डायरेक्ट एज डायरेक्टेड, ठीक है। सी सेड टू मी विल यू गो देयर, इनडायरेक्ट स्पीच में इसे चेंज करना है और ये चार अंक का है। यहाँ पर दूसरा देखो, ए मिस्टेक्स हैज़ बीन मेड बाई हिम, एक्टिव वाइस में इसे चेंज करना है। गिव द ऑर्डर पैसिव वाइस में, ठीक है। द रिवर एलॉट फ्रॉम देम ऑफ वॉच व्यू फिल ब्लैंक्स, रीअरेंज इसे करना है, ठीक है। रीअरेंज मतलब ऑर्डरिंग करना है। अब यहाँ पर देखो पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंटो इंग्लिश में इसे आपको ट्रांसलेशन करना है। पांच अंक का ये था, ठीक है। देखो ये प्रश्न कैसा है, बहुत समय बीत गया, किसी देश में एक व्यापारी रहता था, वह बहुत धनवान था पर उस बेचारे के कोई संतान नहीं थी, अंत में भगवान की कृपा से उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, लड़का अभी 2 वर्ष का ही था कि व्यापारी मर गया, माँ ने लड़के को पाला, ठीक है। तो ये इसका आपको ट्रांसलेशन करना है। अब देखो दोस्तों सेक्शन डी लिटरेचर स्टार्ट होता है यहाँ पर। यहाँ पर क्या दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन सेट देयर ऑन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पैसेज दिया गया है, द क्लाइंब टू द ब्रह्मागिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इन टू ए पैनोरमिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्टली लैंडस्केप ऑफ कुर्ज, ए वॉक अक्रॉस द रॉक ब्रिज लीड्स टू द 64 आइसलैंड ऑफ निसार गढ़मा, ठीक है। अब आगे देखो, थोड़ा अच्छा समझ में नहीं आ रहा है इसलिए पढ़ने में थोड़ी दिक्कत है। देखिए, रनिंग इंटो बुद्धिस्ट मंथ्स फ्रॉम इंडियाज लार्गेस्ट टाइप 10 सेटलमेंट एट नियर बाई वाई लुके इज ए बोनस, द मॉन्क्स इन रेड एच एंड येलो रॉब्स आर अमंग्स द मेनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कोर्स, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट व्यू इन सीन फ्रॉम द ब्रह्मागिरी हिल्स, दूसरा व्हाई डू द विजिटर्स विजिट कुर्ज, ठीक है। दो दो अंक के ये क्वेश्चन थे। सातवां क्वेश्चन देखो दोस्तों, अन्य सेज टीचर्स आर मोस्ट अपरडिक्टेबल इज मिस्टर कीप, ये देखिए ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, अनप्रेडिक्टेबल हाउ अथवा का विकल्प है, चार अंक का दिया गया है। देखो यहाँ पर, व्हाट वॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ द बेकर इन द विलेज, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डिड ही वियर, चार चार अंक हैं। यहाँ पर आठवां प्रश्न देखिए, व्हाट इज द इंडियन लेजेंड रिगार्डिंग टी, दो अंक का। हाउ डिड वाली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वॉज इट एजी फॉर हर, और ये भी दो अंक का है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैच करना है, मैच द फॉलोइंग सेक्रेड स्क्रिप्चर्स शील्डेड मॉन्क एस्केटिक प्रोटेक्टेड बुक्स हॉली, ठीक है। और देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन द बेकर यूज्ड टू बी अवर, द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज एट द एंड ऑफ द मंथ, यहाँ पर सी नंबर देखो दोस्तों, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन द लेटर टू गॉड। उसके बाद देखो दसवां प्रश्न क्या दिया गया है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवेन बिलो इट, द वे ए क्रॉक सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, ठीक है। देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन दिए गए हैं, वेयर वॉज द क्रॉस सिटिंग, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। उसके बाद देखो ग्यारहवां प्रश्न क्या दिया गया है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, फायर एंड आइस ए टाइगर इन द जू, सेंट्रल आइडिया देना है, या फिर अथवा राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम गिवेन इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवेन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी जो क्वेश्चन पेपर में लाइन्स दी गई हैं उनका कॉपी आपको नहीं करना है। बारहवां प्रश्न देने, आंसर एनी टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, चार अंक का ये है, हाउ डज द थीफ थिंक एनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिगार्ड रिचर्ड एम्राइड्स लाइफ। उसके बाद 13वां प्रश्न देखिए, व्हाट चेंजेस टू बी फिंड इन द बिहेवियर ऑफ वाली इन द एंड ऑफ द स्टोरी एक्सप्लेन, अथवा चार अंक का ये क्वेश्चन था, द कोर्स ऑफ द लॉजिल्स लाइफ चेंज्ड ड्यू टू द नेकलेस कमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 14वां प्रश्न क्या दिया गया है, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, रिचर्ड एम्राइट वॉज ए फार्मर स्कॉप्ट ऑफ द ईयर, रिचर्ड वॉज नॉट ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स ए ब्राइट स्टडीज ए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी
ही गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। ठीक है, अब आगे देखिए, शायद यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो खत्म होता है। ठीक है, तो इस तरह आज के क्वेश्चन पेपर को मैंने दिखा दिया। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे।